Now let's see another example of bitwise operators. In that case, there we are declaring 5 variables I, J, K, L, M. First of all, before solving this problem, as we know, किसी भी टाइप्स के बिटवाइज ऑपरेशंस ओनली बाइनरी बिट्स के लिए अप्लाई करना पॉसिबल है. सबसे पहले जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स इन ऑपरेंड्स को कन्वर्ट करें इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई इक्वल्स टू 32. व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 32? बाइनरी वैल्यू ऑफ 32 इज इक्विवेलेंट टू 1 5 times 0. 1 5 times 0, दिस इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 32. पुट दैट नंबर ऑन द वेरिएबल आई. आई में पुट करें, सबसे पहले क्या पुट होगा? 0 0 0 0. नेक्स्ट 4 बिट्स आर 0 0 1 0. रिमेनिंग बिट्स आर डिफॉल्ट बिट्स आर 0, ऑल टाइम्स 0. 1 2 3 4, 1 2 3 4. बिकॉज सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर का साइज क्या है? 2 bytes. दिस इज द फर्स्ट बाइट, दिस इज सेकेंड बाइट. 1 byte is equivalent to 32 bits. Next one, J equals to 20. Here, J is assignment in J. J के केस में जो भी value assign हुआ है, value किस form में? Previous case में 32 decimal number system में था, इसलिए divide by 2 rule follow करके binary number calculate करना possible. But here, 20 is in the form of hexadecimal value. Hexadecimal के according, हेक्साडेसिमल के सारे डिजिट्स कन्वर्ट करें इनटू इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 2 इन 4 बिट्स? 0 0 1 0. व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 0? ऑल टाइम्स 0. देन पुट दैट नंबर ऑन द लोकेशन J. 4 times 0. नेक्स्ट 0 0 1 0. नेक्स्ट वन रिमेनिंग टाइम्स इज 0. मीन्स चेक इट, प्रीवियस केस में आई में क्या साइन किया था? डायरेक्टली 32 इन डेसिमल नंबर सिस्टम. नेक्स्ट टाइम 20 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. लेकिन दोनों के बाइनरी बिट कैसे हैं? सेम. इसलिए इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या हुआ? समथिंग 32. नेक्स्ट वन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में परफॉर्म कराना रिजल्ट है आई और जे. आई और जे इन केस ऑफ और ऑपरेटर, If any bit is 1, then resultant bit is also 1. In that case, both are 0. 0, 0, 0. Then next one, both are 1. Therefore, 1. 0, 0, 0, 0. This is the result of first expression or operation. जब इसका decimal number निकालेंगे, decimal number means number कैसा? Positive. Positive इसका decimal क्या है? 2 the power 5 is equivalent to 32. This is the value of K. Next one, L. In that case, we are performing AND operations. AND के केस में चेक क्या करेंगे? अगर दोनों बिट 1 है, then 1. In that case, I और J के लिए अप्लाई करेंगे. I और J के अंदर दोनों बिट्स कैसे हैं? 1. Remaining bits are 0. Again, the result is same as previous case. In that case, AND operator is also giving same result as OR operator, means 32. नेक्स्ट वन थर्ड केस, XOR ऑपरेशन. XOR के केस में रूल क्या था? XOR के केस में अगर दोनों बिट सेम है देन 0, अगर दोनों बिट डिफरेंट है देन 1. इन दैट केस ऑल बिट्स आर एग्जैक्टली सेम. मींस 1 1 भी कैसे सेम? इस केस में क्या मिलेगा? 0. रिमेनिंग बिट्स आल्सो सेम. देयरफॉर रिजल्ट इज इन ऑल प्लेसेस रिजल्ट इज 0. इट इज इक्विवेलेंट टू 0. दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. व्हाट इज द आउटपुट? प्रिंटेड वैल्यू ऑफ आई जे के. इस आई जे के आई जे के लिए ऑपरेशन तो अप्लाई किया, लेकिन आई और जे में कोई चेंजेस परफॉर्म हुए क्या? नहीं. वो आई और जे का वैल्यू क्या प्रिंट हुआ? 32. दिस द वैल्यू ऑफ आई एंड जे. नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ के एल एम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? ऑल्सो 32. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? 32. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? 0.